हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी स्टाइल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं दुर्गा पूजा स्पेशल षष्ठी लुक दिखाने जा रही हूँ। ये डे मेकअप है और मैं एक मेखला वेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप के लिए मैं सबसे पहले फेस को क्लीन कर चुकी हूँ। तो आफ्टर सीटीएम मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ सीरम। तो ये है आपका मेबलिन का, सॉरी लॉरियल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला सीरम। और देन मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। ये एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर है। ये आप कोई भी सीजन में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेटेड और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है। तो ये डे मेकअप है इसीलिए मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। ये लोटस का सनस्क्रीन है, मैं यही अप्लाई कर रही हूँ। और डे मेकअप है इसलिए मैं कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूँगी। मैं अप्लाई कर रही हूँ गार्नियर का बीबी क्रीम। इसको मैं, ये क्रीम है इसलिए मैं हाथों की मदद से ही अप्लाई कर रही हूँ। और ये है अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छा ये कॉन्सीलर, स्विस ब्यूटी कॉन्सीलर। तो आप जो बिगनर है वो ज़रूर खरीदे। ये एकदम कम रेंज में बहुत अच्छा कॉन्सीलर है। तो इसमें अपने अंडर आइज, नोज, मतलब थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर रही हूँ फेस को, इसीलिए लग रहा है। और आपके जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं हाथों की मदद से इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेकअप को सेट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ फीट मी का, मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर। तो आप चाहे तो आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर हो आप उसे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास कोई सेटिंग पाउडर या बनाना पाउडर हो तो उसकी मदद से भी आप मेकअप को ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं ड्रॉ कर रही हूँ मेरे आईब्रोज को। तो मैं इसके लिए अप्लाई कर रही हूँ फेसेस का ये आईब्रो पेंसिल। आपके पास जो पेंसिल हो या फिर ब्रो किट हो तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि ये डे मेकअप है। डे मेकअप में ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता है। जितना नेचुरल दिखे उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं आईब्रो को ऐसे कोम कर लूँगी। मैं थोड़ा सा ही देखो फिल कर रही हूँ, जहाँ जहाँ थोड़ा खाली खाली लग रहा है वहीं पर फिल कर रही हूँ। तो मैं इस तरीके से दोनों आईब्रो अपने फिल कर लूँगी। तो उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ से पिंक शेड। तो इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने आईज़ के ऊपर। तो मैं वाइट कलर का ड्रेस पहन रही हूँ इसीलिए मैं थोड़ा एकदम ही नेचुरल मेकअप करूँगी। तो इस तरीके से एक न्यूट पिंक शेड लेके मैं आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं वाटर लाइन्स में, अपर वाटर लाइन या लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। ये है प्लम का काजल। तो ये स्मच प्रूफ काजल है और प्लम का हर प्रोडक्ट ही बहुत ही अच्छा होता है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगी। अब मैं एक ब्रश की मदद से नीचे थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ काजल को ताकि एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो। अब मैं अपने लाइनर नहीं पहनूंगी। मैं प्लम का और एक ग्रीन कलर का काजल है उसकी मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी, थोड़ा सा ग्रीनिश, क्योंकि मेरे ड्रेस में हल्का सा ग्रीन और हल्का सा पिंक शेड का थोड़ा वर्क किया हुआ है, इसीलिए मैंने लाइनर के लिए ग्रीन मतलब चुना है। अब मैं करूँगी फेस कंटूर, थोड़ा सा कंटूरिंग करूँगी। तो इसके लिए मैं एनवाइस का ये कंटूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कंटूरिंग के पास, आपके पास जो हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं कंटूरिंग कर लूँगी। तो मैं लाइट कंटूर ही करूँगी, ज़्यादा डार्क कंटूर नहीं ही करूँगी क्योंकि मैं मतलब नेचुरल दिखना चाह रही हूँ। ज़्यादा मतलब ना दिखे कि मेकअप ज़्यादा है या फिर ऐसा भी ना लगे कि फेस एकदम अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा फेस को सर्व दिखाने के लिए मैं कंटूर कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा नोज़ कंट्रोल कर लूँगी क्योंकि नोज़ अब मैं ऐसे भी अब फेस कंट्रोल करो या ना करो नोज़ कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नोज़ कंट्रोल ना करो तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे जैसा नोज़ है तो ज़रूर करे कंट्रोल। अब मैं हाई से ब्लश ऑन कर रही हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का ब्लशर है। ये थोड़ा सा पिंकिश पीची शेड है। तो इसको मैं, ये इसमें थोड़ा सा हाईलाइटिंग भी है। तो आप अगर ये लगाते हो तो हाइलाइटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप चाहे तो फिर भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। अब मैं मेरा फेवरेट मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। इसका प्राइस थोड़ा हाई है, तो आप लो रेंज में भी बहुत अच्छा अच्छा हाइलाइटर है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेट एंड वेल्ट का हाइलाइटर भी है बहुत ही अच्छा, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है बहुत अच्छा, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा पिंकी शेड में है इसीलिए मैंने इसी को ही मतलब चुना के आज मैं इस लुक में यही अप्लाई करूं। तो आफ्टर हाईलाइटिंग मैं देखो इनर कॉर्नर भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि आईज़ थोड़ा अच्छा दिखे। तो वैसे ब्रो बोन पे भी थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं करूँगी नहीं तो फिर ज़्यादा ऑयली ऑयली लगेगा फेस। अब मैं एक पिंकी शेड ले ली हूँ मेबलिन का।
अब उसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर दी। ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। तो मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहना है और बाल को मैंने ऐसे बांध दिया है। तो अगर आपको हेयर स्टाइल देखना है तो मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये है मेखला के साथ फाइनल लुक। तो वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।